हेलो गाइस, आज हम अपनी स्कॉर्पियो NZ8L डीजल मैनुअल फोर व्हील ड्राइव की हम लोग अपनी डिलीवरी लेने आए हैं। और अभी शोरूम पे हम लोग आए थे, काफ़ी देर से हम लोग आए हुए हैं। मेरे को PDI करते करते दो ढाई घंटा लग गया था। एंड काफ़ी अच्छा, मतलब ठीक है, गाड़ी अच्छी है। कुछ कुछ जगह फॉल्टी इशू रहा है, जो एक कंपनी ने मुझे बोला है वो दे देंगे सही करके। एंड मैं रिटर्न परमिशन में GM से यहाँ से लूँगा मैं। तो मैं आपको बाकी गाड़ी दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी कौन सी है आपको दिखा दे रहा हूँ। एक सेकंड वेट करिए, ये रही मेरी वाली गाड़ी, ये है डीप फॉरेस्ट कलर। आप बाकी देख सकते हैं ग्रीन कलर है। यहाँ पर पूरा पेपर वर्क चल रहा है अभी, यहाँ से ही पूरी पीछे न्यू कार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो मुझे फॉल्ट आया वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फॉल्ट आया है। फॉल्ट आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साइड स्टैंड पे देखिए छोटा स्क्रैच आया है। एंड देन इधर की साइड, सॉरी वो तो कुछ और था, थोड़ा थोड़ा स्क्रैच होता है। जैसे यहाँ पर आप देखो हल्का था ये पेंट आया है थोड़ा सा। एंड देन और ये हमारे शोरूम में सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी हुई है एंड सिर्फ एक ही कलर में है, ये डीफॉरेस्ट। हम लोगों ने ब्लैक एंड वाइट करवाई है, पर वो गाड़ी अभी आई नहीं है। जो मेरी गाड़ी है सबसे पहली डिलीवरी मुझे मिलेगी, लखनऊ का मुझे नहीं पता, बट आई नो दैट मेरे शोरूम का मुझे पहला डिलीवरी आज मिलने वाला है। आप देख सकते हो फोर एक्सप्लोर यहाँ पर बैजिंग लिखी हुई है। एंड स्कॉर्पियो इनकी बैजिंग तो आपको दिख ही रही है, एट्रोनॉक्स की बैजिंग आपको दिख ही रही है। हाँ, जो मुझे इश्यूज थे वो मैं आपसे मेंशन करता हूँ। इधर देखिए आपको हल्का स्क्रैच दिख रहा है, इधर स्क्रैचेस हैं। एंड इधर देख सकते हैं ये शायद पॉलिश से सही हो जाए, ये मतलब हल्का हल्का यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे कोई एसेट इश्यूज नहीं आई है। हाँ, जो एक बात है यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, इधर थोड़ा पेंट का इशूज़ है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो मेन इशू है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है आपकी यहाँ, ये है आपका मेन इशू। यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्रैच आया है, इधर भी डेंट आया है। सो इधर डेंट आया, इधर भी आपका दिक्कत है, इधर भी दिक्कत है। सो ये कंपनी वाले ने बोला कि वो सही करके मेरे को देंगे। एंड ये मैं रिटर्न में उनसे परमिशन भी लेने वाला हूँ। एंड देन आपका ये साइड से यहाँ पर थोड़ा स्क्रैचेज आए हैं एंड उस साइड भी हल्का हल्का स्क्रैचेज आए हैं। एंड बाकी गाड़ी जो थी इंटीरियर से पूरी प्रॉपर है, टेक्निकल इशूज़ कोई ऐसा ग्लिच नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। जो आया है वो बाहर की साइड से इशूज़ आए हैं। सो मैं सोचा कि भाई डिलीवरी का अच्छा वीडियो बनाऊंगा, बट PDI करते वक्त मेरा खुद इतना मूड ख़राब हो गया देखने के बाद, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का एक डस्ट है, पता नहीं कलर है क्या है उसको क्या बोले। सो हाँ, एक चीज़ और, जो फर्स्ट लॉट की गाड़ियाँ हैं उसमें आपको यहाँ पर आप ध्यान देखिए, ये इधर आपको कट दिख रहा होगा, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, इधर कट दिख रहा है। ये कंपनी वाले ने बोला है जो गाड़ी यहाँ पर फर्स्ट लॉट की जितनी भी आई है मैंने टेस्ट ड्राइव में भी देखा, उसमें ये कट यहाँ पर था, ये साइड पे। सो ये कट को बोल रहे कि हवा पास होने के लिए शायद ये कट इन्होंने लगाया, ऐसा कोई इन्होंने रीज़न दिया है। बट उन्होंने बोला कि सर्विस में जाके ये सही हो जाएगी, इसका हम लोग कोई पैसा नहीं लेंगे। वो लोग इसका पैसा नहीं लेंगे, इधर आपका जो बॉडी पेंट होगा या पैनल गैपिंग या पैनल चेंज होगा उसका पैसा उन्होंने नहीं बोला है। तो एक काफ़ी अच्छी बात है, टायर की कंडीशन अच्छी है। हाँ, एक दिक्कत थी, गाड़ी 147 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, जो कि आप जानते हो गाड़ी डिलीवरी के पहले 60 किलोमीटर या तो 100 किलोमीटर चलनी चाहिए। अब इंसान ने रीज़न लिया है, अब ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है सर गलती चल गई है तो उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते, आपका जो सर्विस होगा वो आप उतने किलोमीटर बढ़ा के आप लोग दीजिएगा तो वो प्रॉपर 1000 किलोमीटर का बनेगा। सो बाकी मैं ये सब तो फिर रिटर्न में लूँगा, तो मुझे रिटर्न में ये सब चाहिए। तो काफ़ी अच्छा, मैंने कहा पहली लॉट की गाड़ी मिल रही थी, यहाँ पर लोगों को मैं बता दूँ कि भाई पहली लॉट में क्या क्या दिक्कत आ रही। जो लोग कह रहे कि इंजन स्टार्ट नहीं होता, उनके में कोई और यूनिट मिली होगी तो वो दिक्कत आती है, मेरे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साउंड अच्छा है, AC पावरफुल है, सनरूफ काम कर रहा है, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हाँ फर्स्ट लॉट में दिक्कत आती है, आती होगी मानते हैं, अभी मैंने गाड़ी आज डिलीवरी लूँगा, एक हफ्ते के बाद मैं आपको बताऊँगा क्या क्या दिक्कत आ रही है। एंड इधर तो आपको सभी ऐसा नंबर वंबर जो होता है, एंड ये हमारे शोरूम का नंबर है नारायण ऑटोमोबाइल्स का, यहाँ पर ही हमारा शोरूम है, टेढ़ी पुलिया के पहले पड़ता है विजय पैराडाइज के पास। आप यहाँ से अपनी गाड़ी बुक करा सकते हैं। एंड इधर जो एड्रेनॉक्स की बैजिंग है, इधर आप देख रहे हैं इधर थोड़ा स्टिकर टाइप का लगा हुआ है, ये काफ़ी फॉल्टी लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई आफ्टर मार्केट चिपकाया है, जबकि मैंने और सब गाड़ियों में देखा तो ऐसी कोई इशूज़ नहीं आई थी। इधर जो आपका फोर एक्सप्लोर है इसके बैजिंग में कोई इशूज़ नहीं, एकदम प्यारी लग रही है, कोई इसमें ऐसा लग रहा कि बाहर से लगा है। बट यहाँ पर आप देखिए, इधर आपको स्कॉर्पियो एन पे जैसे यहाँ पर लिखा तो यहाँ देखिए हल्का सा ग्लू निकल रहा है, वो कंपनी वाले ने बोला सही कर देंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड बाकी अभी गाड़ी की जब डिलीवरी पूरी लूँगा, जब पूरा चाबी अभी जो पकड़ा जाए जो भी होता है जो भी उसको बोलते हैं, तो वो जब करूँगा तो मैं आपको उसकी पूरी वीडियो बना के दिखाऊँगा। बाकी अभी गाड़ी का सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, नॉन हो रहा है, एंड फिर मैं ही गाड़ी उठाऊँगा, मतलब उठाऊँगा नहीं, थोड़ी डिलीवरी लूँगा इसकी। तो बाकी मैं आपको और बताता रहूँगा।
तो यहाँ पर आप लोग देखिए मेरी गाड़ी अब ऊपर आ रही है, देख लीजिए आप लोग काफ़ी तेज़ी स्पीड से आई है। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी हो गई, अब इसकी पॉलिशिंग एंड ऑल सब होके फिर डिलीवरी हम लोग लिया जाएगा अब थोड़ी देर में। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अपनी गाड़ी हो गई पैक, अब डिलीवरी के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे डिलीवरी प्रोसेस। तो अभी आपको वो दिखाएंगे आपको। गाड़ी की अब डिलीवरी हो चुकी है, तो अब अपन डिलीवरी लेके बाहर निकलेंगे एंड राइट क्वालिटी पब्लिक अपीयरेंस अब आपको अभी देते हैं। आ गई अपनी स्कॉर्पियो इनकी डिलीवरी, तो गाड़ी अपने पास आ गई है, अब इसका रोड प्रेजेंस एंड ऑल चेक करेंगे। एंड ये मेरे शोरूम की पहली गाड़ी थी एंड आई एम वेरी हैप्पी, सो जस्ट वेट फॉर इट। पापा गाड़ी चलाते हुए, सो यहाँ पर लोग अभी रिएक्शन में आपको दिखाता रहूँगा। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, सो यहाँ पर लोग तो देखते ही हैं। अरे यार पीछे नहीं दिखा पाए पापा, लेफ्ट आगे जाके चलिए यहीं से घर ले। लाइट जलाई, लाइट जल रही है, अब पापा समझ गए कैसे चलना है। ये हमारे दोस्त स्कूटी लेते हैं आते हुए। पापा लाइट जला दीजिए आगे का, नहीं समझ में आ रहा वो, हाँ ऊपर का बटन बस दबा दीजिए, हाँ बस बस चलिए जल गए जल गए। चलिए पापा डर रहा है, पापा अभी ऊपर से ये बटन दबा देना ऊपर वाला। एक्साइटमेंट ये पूजा होते हुए। नॉर्मल हाँ कह रहे पेटीएम से हो जाएगा। पेटीएम का आईसीआईसीआई का था, हमने नहीं लिया ना। लाइट जाली पंडित जी ऊपर से हमें नहीं मालूम है कागज से ये दो सी दो ही चीज है। हाँ बस बस जय श्री राम। ऐसे चार छीटा मार दीजिए क्या करना। मतलब